एडिशन रिएक्शंस, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो कार्बन कंपाउंड्स की, वो एडिशन रिएक्शंस करते हैं। एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किए लेकिन वो जो क्या मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, यानी ऐड हो गए एक दूसरे में, वो होती है एडिशन रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती है ज़्यादातर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी कि जैसे कि एल्कीन्स, कि जो कंटेन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है, फिर वो सिंगल बॉन्ड में सेपरेट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड बन जाता है प्रोडक्ट पे एडिशन होने के बाद। जैसे कि एल्कीन लिया है, ये क्या है? एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। मान लीजिए ए और बी को इसमें ऐड करना है, तो जब इनकी एडिशन रिएक्शन होगी तो ए इसके साथ ऐड हो जाएगा और बी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो गया और एक प्रोडक्ट बना लिया, तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन प्रोडक्ट बना है, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था तो ये बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, तो ये होती है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट होती है एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन क्या होते हैं? जैसे कि जी वो एलिमेंट जिनको अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उन इलेक्ट्रॉन को हैलोजन्स बोलते हैं। अब अगर हम इथीन लेते हैं, ये हमने सी डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन है, मिथ इथ, ये इथ है और इसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें तो इथीन बन जाएगा, ये हाइड्रोजन्स लगा दिए तो मिथ इथ, इथ इन इथीन जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है, Cl2 क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि हैलोजन्स हैं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, यानी कि CCl4 क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में। तो ये जो दो Cl है ना, दोनों एक एक कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और दोनों एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोमीथेन। ये नाम कैसे पड़ा है? कार्बन को हम नाम देंगे, 1, 2 नंबर देते हैं, 1 पे और 2 पे दो क्लोरो है, क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो डाई क्लोरो है, डाई क्लोरो मिथ इथ, ठीक है, डाई क्लोरो, देखा डाई क्लोरो आ गया, तो डाई क्लोरो इथेन बनेंगे ये, ठीक है, और इसे इथाइलीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। सेम जैसे हमने क्लोरीन के साथ करवाया है इथीन की, वैसे ही हम ब्रोमीन के साथ करवाएंगे। ब्रोमीन के साथ जब इथीन ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्ट करेगा टेट्रा क्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो नाम क्या होगा, 1,2-डाइब्रोमो, डाइब्रोमो है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ये बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारी यानी कि एल्कीन्स, जब एल्कीन्स Br2 के साथ रिएक्ट कर रही हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, तो दोनों ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाते हैं और ये सिंगल बॉन्ड बीच में रह जाता है डबल बॉन्ड की जगह पे, तो ये एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। इन रिएक्शन में जो ब्रोमीन है उसका जो टेस्ट है वो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ता है, तो ब्रोमीन जो वाटर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, और लेकिन जो डाई ब्रोमाइड फोन बनता है प्रोडक्ट पे, तो वो जो होगा वो कलर, जो एडिशन कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा, तो ये हमारी ब्रोमीन की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन होती है, जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इनको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जैसे कि इथीन है, हम इथीन को ही लेके चल रहे हैं, H2 ऐड करेंगे तो दोनों H एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड बन जाएगा, यानी इथीन से इथेन बन जाएगा, दोनों एच जुड़ गए और ये इथ एन बन गया,
तो जैसे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन जब उन्हें H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये वेजिटेबल घी प्रोड्यूस करते हैं, जिसे वनस्पति घी और डालडा घी बोलते हैं, और वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कि जब एडिशन होती है इथाइन में, यानी ट्रिपल बॉन्ड में जब एडिशन होती है तब क्या होता है? जब ट्रिपल बॉन्ड एडिशन होगी वो भी सेम प्रोसेस होगा। हमने क्या लिया है, इसमें इथाइन लिया है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है। जब ये 2H2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो 2H यहाँ पे जुड़ जाएंगे और एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यानी ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड रह जाएगा, यानी ये इथाइन से इथीन बन जाएंगे, दो हाइड्रोजन जुड़ गए। इस प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे, जो इथीन हो बना है हमारे पास, इसको फिर से H2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब इसे फिर से H2 के साथ और निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो 2H इसमें और जुड़ जाएंगे, तो ये इथीन से इथेन बन जाएगा, डबल से सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन होती है, जिसे कि हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।